लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का फैसला किया है। नई दरें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। इससे पहले 21 मई 2022 को दाम घटाए थे। इधर केंद्र सरकार की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में पेट्रोल डीजल पर 2% वैट कम किया था। इससे राजस्थान को डबल फायदा होगा और राज्य के हर जिले में पेट्रोल डीजल कम से कम 3.5 रुपए सस्ते होंगे। राजस्थान में अब 31.04% की जगह 29.04% वैट लगेगा, जिसके अनुसार राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत अब 106.48 रुपए प्रति लीटर होगी, जो फिलहाल 108.48 रुपए प्रति लीटर है। ऐसे ही डीजल 91.72 रुपए में मिलेगा, जो अभी 93.72 रुपए प्रति लीटर है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 94.72 रुपए प्रति लीटर होगी, जो फिलहाल 96.72 रुपए प्रति लीटर है। ऐसे ही डीजल 87.62 रुपए में मिलेगा, जो अभी 79.62 रुपए प्रति लीटर है। तो राजस्थान में पेट्रोल डीजल कम से कम 3.5 रुपए सस्ता हो गया है। आपको बता दें कि जयपुर में पेट्रोल की कीमत अब 106.48 रुपए प्रति लीटर होगी, डीजल 91.72 रुपए प्रति लीटर में मिलने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने घोषणा की है, जिसके मद्देनजर कल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने राज्य में पेट्रोल डीजल पर 2% वैट कम कर दिया है, यानी कि राजस्थान में अब पेट्रोल डीजल कम से कम 3.5 रुपए सस्ता हो जाएगा। शुक्रवार की सुबह 6 बजे से ये दाम लागू हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं दिल्ली से संवाददाता आरती राय का। आरती, केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनता को साधने की कोशिश की है पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करके। किस तरीके से आप देख रही हैं, कितना फायदा इससे जनता को मिलने वाला है? जी बिल्कुल, जैसे कल हरदीप पुरी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे, एक्स अकाउंट पे 2 रुपए कम पेट्रोल का दिखा के कि जो शुक्रवार 6 बजे से लागू हो जाएगी, ये दिखाया क्योंकि ये लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसको लेके कहीं ना कहीं जनता को साधने का ये फैसला जो लिया है काफी अच्छा है और देखने को मिलेगा कि इससे लोकसभा चुनाव में लोगों को काफी राहत मिलेगी और ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का एक बड़ा फैसला है। और इसके बाद भी आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अब हो सकता है डेट निकल जाए। आरती, जनता में इस वक्त किस तरीके का माहौल बना हुआ है? पेट्रोल डीजल 2 रुपए कम कर दिया गया है, अब इससे जनता को काफी राहत मिलेगी। जो पेट्रोल की तस्करी की जाती थी एक राज्य से दूसरे राज्य, वो भी अब कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, इसको इससे जनता को काफी राहत मिलने वाली है, 6 बजे से जो लागू हो गई है। और वहीं आपको बता दूं राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल 2% वैट कम किया है और उसमें राजस्थान को भी डबल फायदा होने वाला है, 3 रुपए सस्ते हो जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम वहां पर। और साथ ही राजधानी जयपुर में भी 106 रुपए जो 48 पैसे प्रति लीटर होगी, जो फिलहाल 108 रुपए है। शुक्रिया आरती तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए कम करने का फैसला किया है, जो कि आज यानी कि शुक्रवार की सुबह 6 बजे से इसको लागू कर दिया गया है।